प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कांग्रेस और पूरी कांग्रेस एकजुट हो गई और कांग्रेस हमें से एकजुट होती है। इनके बारे में समय पर मुझे लगता है हम क्यों चिंता करें। अच्छी बात है वो करें, तुम तो कभी ये चाहते हैं कि हम तो अपनी लाइन आगे बढ़ाते हैं। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, 51% वोट शेयर को नीचे तक, केवल भाषणों में नहीं, केवल टारगेट नहीं, इसको पूरा करना, ये हम नीचे तक हमारे बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से बूथ का सशक्तिकरण, सक्षम बूथ बनाने का हमारा जो टारगेट है उसमें हमारी ये जो लीडरशिप है, इस काम को इम्प्लीमेंट करने वाली लीडरशिप है, चिंता करने वाली लीडरशिप, तो उनसे बातचीत होती है। वोट से हम लगातार इस दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको जरूर सर, जिलों के जो कार्यकर्ता हैं जिनके साथ आप लोग बैठ रहे हैं कोर कमेटी, जिलों से ये भी कहीं ना कहीं बातें आती है कई बार कि प्रभारी मंत्रियों से संवाद नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता, ये तमाम बातें भी कहीं ना कहीं क्या जिक्र में आएंगी इन सब? सारी चीजें हम सब लोग, हमारा संगठन का तंत्र सामूहिकता के आधार पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी में नेता का महत्व है और नेता का प्रभाव होता है, लेकिन हम सामूहिकता के आधार पर काम करते हैं। हमने कहा ना, हमारा प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सबकी भूमिका निभाते हैं कि पहले हम कार्यक्रम। तो भारतीय जनता पार्टी तो कैडरबेस होने के साथ सामूहिकता के आधार पर काम करता है, हम सब बातों के बारे में सामूहिक तौर पर विचार करते हैं। ये जो है ना, ये आप कांग्रेस के तथाकथित झूठ बोलने वाले जो 24 घंटे झूठ बोलते हैं उनके कहने पर विरोध होता है क्या? ये मीडिया के लोग भी ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों की बातों का मानने लग गए। आप तथ्य क्या है जरा बताइए मुझे, जिनके उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे जो लोग हैं दिन भर 24 घंटे झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं वो तो मुझे कहते हैं कि बीडी शर्मा मंडल अध्यक्ष बनने लायक नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष बन गया। अब ऐसे लोगों की बातों का मानते, अब उनके बारे में कुछ शब्दों का कड़ा उपयोग करूंगा तो गलत हो जाएगा। मेरा ये करेक्टर नहीं है और मेरा ये चरित्र नहीं है कि मैं इस प्रकार की भाषा किसी दल के व्यक्ति के लिए बोलूं। 24 घंटे झूठ बोलता है ऐसे लोगों के, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो कहां विरोध हुआ? कार्यकर्ताओं ने जाकर के गंभीरता के साथ, जिम्मेदार लोग थे उन्होंने जाकर बात की है और अच्छे तरीके से बात की। कांग्रेस झूठ छल कपट करके भ्रम फैला करके मध्य प्रदेश का वातावरण नहीं बिगड़ने दिया जाएगा और मैं किसी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। और जो बिगाड़ने वाले लोग होंगे ना, इनको ठीक करेंगे। जो ऐसे लोग हैं जो बातों में बिगाड़ना चाहते हैं, जो आप लोगों को भी इस प्रकार की चीजें देते हैं, मेरे को लगता है इन चीजों के बारे में तथ्यात्मक उस पर थोड़ा जाना चाहिए। अब ये पता नहीं आपको कहां से जानकारी मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निशा से, मैंने कहा ना कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये वो भारतीय जनता पार्टी है दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो एक थॉट और विचार पर काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि बूथ का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि किसान का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है और किसान का बेटा सामान्य तौर पर एक गरीब का बेटा भी प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये परिवार नहीं है, ये परिवार नहीं है, परिवारों के ऊपर चलने वाली परंपरा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए दरी उठाना, मेहनत करना है तो नहीं पता नहीं सर। अरे आप में से कोई हेड बनेगा कल, तो आप लोग जो मेहनत करेंगे और चीजें निकाल करके लाएंगे, खोजी पत्रकारिता करेंगे, तो आपको भी आपका प्रबंधन कहेगा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसको आगे ले जा रहे हैं। ये तो सामान्य प्रक्रिया है सर। बीजेपी के राजगढ़ जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है उनका कहना है कि 10 लोगों को जोड़ता हूँ 25 छोड़कर चले जाते हैं, और साथ ही साथ बीजेपी के नेता अगर थोड़ा अल्पसंख्यक को लेकर, देखिए मोदी जी ने इस देश के अंदर, हम लोग जब सांसद बने तब माननीय मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक और नारा दिया कि सबका विश्वास, और सबके विश्वास के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय में भी हमारी वो माताएं बहनों से लेकर नौजवान पढ़े लिखे लोग
जो कट्टरवाद पर काम नहीं करते हैं वो सब लोग आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनको अथाह विश्वास है। और मैं ऐसा मानता हूं कि गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है उसमें मेरे मित्र मेरे भाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी सर्वाधिक जीवन बदलने का काम होगा। तो ऐसे लोग भाजपा से आना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कभी कोई ऐसी बातें एक मनुष्यगत व्यवहार में जो होती है उनमें जो चीजें परिवर्तन करना है बिल्कुल गलत नहीं है। जहां लगता है कि हमें ठीक करना है ठीक भी करते हैं। तो इसलिए ऐसी चीजों में कहीं कुछ आता है तो सामान्य डिस्कशन होते हैं, वो कोई पब्लिक के डिस्कशन नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों के सवालों का जवाब